बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल आप सबका? ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ। जहाँ भी बहन भाई होंगे अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम आपको इडली ब्लॉग में। आज हमने बनाया है जी लोटर फ्राइज़, घर पे ट्राई किए हमने बनाने के लिए। इसमें हमने सारा कुछ डाला, जैसे हम बाज़ार से लाते हैं जिसमें चिकन भी होता है, पास्ता भी बीच में मिक्स होता है, चिप्स वगैरह हर चीज़। और ये देखिए ऊपर चीज़ कितनी ज़्यादा मैंने डाली है। आज हमने ट्राई किया और ये जुगनू और मरियम भी खा रहे हैं। जब से पाकिस्तान से खा के आए मेरे पीछे पड़े थे कि मामा जी बना के दें। देखिए जुगनू, अस्सलाम वालेकुम, बहुत मज़ेदार है। ये देखिए से प्लेट में निकाल के दिया। अस्सलाम वालेकुम, ये मामा बहुत मज़ेदार बना है। ये देखिए इसके मसम बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ लगाई है इस पर। फ़र्स्ट टाइम बनाया है तो जब दोबारा बनाऊंगी तो फिर पूरी मुकम्मल वीडियो डालूंगी मैं। पर यह कि टाइम काफ़ी लग गया इस। और ये बेशक आप डिस्पोजल में डाल लें, ये देखें पूरे का पूरा ही पीस ऐसे ये निकलेगा। ये देखें चीज़ इसके अंदर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। बाज़ार से लेने से अच्छा कि खुद आप घर में बनाएं तो ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। और अपनी मर्ज़ी से जो भी चीज़ें आपने बीच में ऐड करनी है वो आप कर सकते हैं। और इस पे आप मायोनेज़, टमाटर केचप वगैरह डाल सकते हैं, और लोटर फ्राइज़ हों और साथ ठंडी ठंडी कोक हो तो फिर तो क्या ही बात है, बहुत मज़ा आता है। यानी कि क्या ज़्यादा नहीं खाएं, हफ्ते में एक आध दफ़ा बंदा बना के बच्चों को इंजॉय करवा सकते हैं। जी अब इसी छोटी सी वीडियो के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। अगर आज की वीडियो लोटर प्राइस की आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जो नए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।